उसकी जो क्रिमिनल रिविजन है वो दायर हो चुकी है और उनके ऊपर नंबर भी लग गया है। और जो तोशा खाना पार्ट 4 स्टार्ट किया गया था उसके अंदर भी हमने आज सुबह ही खान साहब और बीबी साहबा की प्री अरेस्ट बेल जो है वो ले ली। तो लिहाजा फिलफौर इस फैसले के बाद फिलफौर दोनों को रिहा करना चाहिए। अभी किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है, नहीं अभी तक हमें कोई इतला नहीं है कि कोई गिरफ्तारी है, लेकिन ये किसी वाली बेल्स के अंदर गिरफ्तारी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर करूं कि हम तीनों जो बेल्स खारिज हुई हैं उनके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में जा चुके हैं और वहां पर हम इस्तदा कर चुके हैं कि ये प्रीवियस बेल जो है वो ली जाए, क्योंकि हमने क्रिमिनल रिविजन के अंदर जाकर ये इस्तदा की है। अब देखते हैं उसके अंदर नंबर लग चुका है। अदालतों का काम है फंडामेंटल राइट्स की जो है प्रोटेक्शन करना, लोगों को के बुनियादी हकूक की हिफाजत करना, फेयर ट्रायल देना, प्रोटेक्शन देनी चाहिए और खान साहब और बीवी साहब को फिलफौर रिहा करना चाहिए। नैब का जो नोटिस है जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है उसमें नैब के जो नोटिस हैं उनको वैसे हमने चैलेंज किया हुआ था, लेकिन उस नैब जो नोटिस भिजवाए गए थे हमने उस नैब वाले नए केस के अंदर प्री अरेस्ट बेल आज सुबह ही ले ली। तमाम बाइज़त जो उषा बीबी बरी हुई है, यकीन करें हमारे हौसले की हौसला अफजाई हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा फैसला होता तो तमाम खवातीन की इंसल्टी, मैं समझती हूँ उषा बीबी की पाक दामनी को लोगों कोर्ट ने भी साबित कर दिया और जिन घटिया लोगों ने इतना घटिया केस किया था उनको सजा मिलनी चाहिए। सलासल किया गया है, आज अल्लाह ताला ने हक और सच का
सम्मान देते हुए आज ये फैसला अदलिया ने दिया है, हमें इस पे फख्र भी है और इंशाल्लाह ताला हम अपने खान को बहुत जल्द अपने दरमियान में देख रहे हैं। खान इंशाल्लाह ताला अपने आवाम के दरमियान में होगा। अब कोई मुकदमा खान को हमसे दूर नहीं रख सकता। अगर ये हुकूमत की झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश करेगी तो ये सारी आवाम अडियाला जेल का रुख करेगी और अपने कायद को खुद से निकाल देगी।